Hello, good morning, students. Let us begin with lesson number 46. As you know, we are doing this chapter number 4 Magnetic Effects of Current. Today, we will be concentrating on three very important points. Number one, the force experienced by a charged particle in a magnetic field. Number two, a 3 mark question which is to find the electrical field required for a charged particle to go undeviated in a magnetic field and again a 3 mark question to derive expression for the force acting on a wire in a magnetic field so let us begin with the first part students we are learning if a charged particle were to move in a magnetic field with a speed v, making some angle theta, then it will experience some force. The formula for the force, the magnetic force experienced by the charged particle is given by Bqv sine theta. It tells us. दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज वुड डिपेंड अपॉन मैन्यूफैक्टर्स वट आर दे मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंडेंट है कितना चार्ज है किस स्पीड से मूव कर रहा है और कितना एंगल बना रहा है विदा मैग्नेटिक फील्ड ये जो एक्सप्रेशन है इसको वैक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं तो वेक्टर एफ़ इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी स्टूडेंट आई होप यू नो फ्रॉम एलेवेंथ क्लास कि अगर हम वी क्रॉस बी को एक्सपेंड करें तो क्या आएगा वी बी वी बी साइन थीटा और ये एक वेक्टर होता है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ये जो वेक्टर एफ़ है हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन फॉर्म बाय द टू वेक्टर्स वी एंड बी इस डायग्राम में आप देखें वेक्टर वी एंड बी दे आर लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू व्हाई वाई फोर्स शुड बी डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स दैट वी विल सी आफ्टर ए मिनट लेकिन ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन फॉर्म बाय वी एंड बी तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा विच आर द टू पेयर ऑफ वैक्टर्स जो हमेशा प्रपेंडिकुलर होते हैं तो आप कह सकते हैं फोर्स एंड वालासिटी वेक्टर दूसरा फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड फिर आपसे वन मार्क क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेन विल द फोर्स बिकम मैक्सिम तो मैथमेटिकली हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वन तब होती है जब थीटा बिकम्स पाई बाई टू इन ए सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि वे चार्ज पार्टिकल एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देन इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला है बी क्यू वी वॉट अबाउट द मिनिम फोर्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव करने लगे या एंटी पैरेलल मूव करने लगे तो दोनों ही केसेस में थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी सो द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स लेकिन व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स आइदर पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड

लेकिन हमने रियली में ये नहीं पता लगाया कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें ये याद करना है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स निकाला जाता है बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अब यह रूल क्या कहता है उसके लिए हमें अपने लेफ्ट हैंड को पहले यूज़ करना है और जो पहली थ्री फिंगर्स हैं उनको इस तरीके से आपने होल्ड करना है कैसे होल्ड करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर तो अपना हैंड आप होल्ड करिए और ये जो फिंगर्स हैं ये फोर फिंगर है ऐसे रखिए मैगन ये आ, सेंट्रल फिंगर है प्लीज होल्ड इट लाइक दिस एंड थम शुड बी लाइक दिस अब ये रूल ये कहता है कि अगर फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज तो जो थम है विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स समझ लें फिर से पहले तो आपने देखिए दो फिंगर्स को ऐसे रखना है और समझना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बताता है और थम बताएगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स तो जस्ट रीड इट होल्ड द फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर नाउ इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड

और मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द जेड एक्सेस लाइक दिस तो लेट मी ट्राई टू होल्ड माय फिंगर्स ताकि इट मे बिगिन टू पॉइंट इन दीज डायरेक्शंस कैन आई होल्ड इट लाइक दिस नॉट रियली रीजन क्योंकि ये फिंगर को पॉइंट करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो ये फिंगर मेरी तरफ पॉइंट करनी चाहिए एम आई होल्डिंग इट करेक्ट नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल राइट बट ये फिंगर बता रही है कि द चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू द लेफ्ट विच इज नॉट ट्रू तो क्या करना पड़ेगा आई हैव टू होल्ड आई हैव टू होल्ड माई हैंड लाइक दिस आप देखें ये जो फिंगर है ये बाहर की तरफ आ रही है ये फिंगर इज गोइंग टू राइट तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स तो स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल व्हाट अबाउट द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फॉर ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं उसमें फिंगर्स का जो सिग्निफिकेंस है वो सेम है सो so, देखें यहाँ प्रैक्टिस करते हैं एक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग डाउन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ टू नॉर्थ है हमें यह पता लगाना है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऑन दिस इलेक्ट्रॉन तो देखिए सबसे पहले एक ही फिंगर खोलिए और इसको पॉइंट करिए इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फिर उसके बाद मिडिल फिंगर खोलिए और इस तरीके से ओरिएंट करिए ताकि इट मे शो कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर इज गोइंग डाउन तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो होगा टू द लेफ्ट तो द इलेक्ट्रॉन विल गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट स्टूडेंट दीज आर वन मार्क क्वेश्चन एंड वी हैव टू प्रैक्टिस दिस रूल इफ यू आर मैथमेटिकल माइंडेड देन यू मे यूज द फार्मूला कि एफ इज़ इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी वी क्रॉस बी वी क्रॉस बी ऐसे आना है ये क्या है ये डायरेक्शन आई कैप है ये वाई जे कैप है और ये के, के कैप आप जानते हो तो वी क्रॉस बी की बात करनी है मतलब आई क्रॉस के की बात करनी है आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे इसलिए माइनस जे नीचे होगा सो दैट्स व इट पॉइंटिंग डाउन तो इस तरीके से यू कैन मैथमेटिकली ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन तो हमने इसमें सीख लिया हाउ टू यूज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर ए नेगेटिवली चार्ट पार्टिकल नाव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम आगे भी यूज करेंगे इस फैक्ट को ही सज शो दैट वेन ए चार्ज पार्टिकल मूवस इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स आपने ये फॉर्मूला देखा था आपने ये भी पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता टू द वलासिटी वैक्टर अगर फोर्स अदर तो जो वर्क डन है और जब तो काटिक एनर्जी आर्ग्यूमेंट है कि वाई द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या वाई द कानेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैन नॉट चेंज वो ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द वेलोसिटी वेक्टर चलिए इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड द वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन बाय दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस स्टूडेंट्स हमें बड़े आराम से अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को ये थोड़ा सा मैथमेटिकल जरूर है सबसे पहले तो फोर्स का फार्मूला हमको याद करना है क्यू इन टू वी क्रास बी होता है सो so, मैथमेटिकली पहले हमें वी क्रास बी निकालने की कोशिश करनी है कैसे निकालते हैं वी क्रास बी उसका प्रोसीजर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं जैसे वी क्रास बी इज इक्वल टू आप ऐसे डिटर्मिनेंट बनाएं I J K लिख लें पहले लासिटी वेक्टर के जो कोफिशियंट हैं आई कैप जे कैप के कैप उनको लिखें यहाँ पे तो आई है नहीं तो जीरो हो गया कोफिशियंट जे का कोफिशियंट वन है और के का देखें माइनस थ्री है इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको लिख लें टू प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इसके बाद स्टूडेंट्स हमको ये सीखना है कि वी क्रॉस बी कैसे निकालें तो इट विल बी आई कैप इनटू इसको छिपा लें इसको छिपा लें राइट तो इट विल ये आप जानते हो वैसे ये होगा वन इंटू फोर माइनस ऑफ थ्री इंटू माइनस थ्री तो आप देखें क्या हो जाएगा इसको छिपाया इसको छिपाया दिस माइनस दिस सो इट विल बिकम माइनस नाइन ओवर हीयर फिर उसके बाद स्टूडेंट से याद रखें माइनस ये लिखते हैं तो ज़ीरो इंटू फोर माइनस ऑफ टू इंटू माइनस थ्री फिर इसके बाद यहाँ आ गए प्लस के इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम फोर्स का फार्मूला लिखते हैं चार्ज कैसा चार्ज है माइनस ई इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस ई तो माइनस ई e है इनटू वी क्रॉस बी की वैल्यू जो भी है वो यहां लिख देते हैं दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द फोर्स एक्टिंग नाउ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वन इसमें हमें फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन है और ये इधर को जा रहा है विद स्पीड ऑफ वन मीटर पर सेकेंड यहाँ पे एक लॉन्ग स्टेट वायर है जिसमें ए करेंट ऑफ 75 फाइव एम्पियर फ्लोस ये डिस्टेंस वन मीटर दिया हुआ है तो हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रियलाइज इज कि जब भी कोई करंट फ्लो होगा किसी वायर के अंदर तो अराउंड इट देर विल बी मैग्नेटिक फील्ड यू विल सेट वी नो देन वी हैव टू फाइंड कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी कैसे निकालें एम्पियस रूल लगाइए एम्पियर स्विमिंग रूल लगाइए क्या प्रिटेंड दैट यू आर स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन तो कोई भी पॉइंट आपके अगर राइट right में है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होती है और कोई पॉइंट आपके लेफ्ट में है जैसे यहाँ पे है आउटवर्ड तो होगी वैसे भी आप इस वायर को अपने राइट right हैंड में होल्ड कर लें ताकि करंट की डायरेक्शन में थंब हो तो फिंगर्स ऊपर आ रही है एनीवे दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द लॉन्ग स्टेट वायर मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्टेट वायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर आप फोर्स एक्टिंग का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं बी क्यू वी थीटा तो अभी हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं देखिए फोर्स का तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्टेट वायर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेलासिटी एंड साइन ऑफ नाइंटी डिग्री तो दैट्स हाउ वी विल गेट द फोर्स अब द क्वेश्चन इज कि हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है तो स्टूडेंट्स हमें कौन सा रूल लगाना चाहिए हमें राइट right हैंड रूल लगाना चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए बाहर को आ रही है चार्ज पार्टिकल हमारा इधर को जा रहा है टुवर्ड्स दिस साइड तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस सो दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फोर्स इज दिस वे सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्थ थ्री मार्क्स क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टू द राइट विद ए स्पीड वी इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी नेचुरली इस चार्ज पार्टिकल पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं बाई विच रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक बार दिखा देता हूं आपको मैग्नेटिक फोर्स मेरी तरफ है बाहर की तरफ है चार्ज पार्टिकल राइट में जा रहा है और फोर्स डाउनवर्ड है तो इस मैग्नेटिक फ़ोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल विल गेट डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स ही सेज यहाँ पे हमें कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगानी चाहिए ताकि ये पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट ना हो जाए तो यू विल से कि इस फोर्स को इसका मतलब नलीफाई करना पड़ेगा इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ऊपर को लगाना पड़ेगा इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है शुड बी पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन क्यों क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर द चार्ज पार्टिकल टू गो अनडेविएटेड जो मैग्नेटिक फोर्स है मस्ट बैलेंस द इलेक्ट्रिकल फोर्स तो बी क्यू वी इज इक्वल टू क्यू इन टू ई ए एंड फ्रॉम हियर हमें पता चला ई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई वी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स थ्री मार्क का क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें हमने ये शो करना है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो उस वायर पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका फार्मूला है बी आई एल अगर करंट आई फ्लो कर रहा है किसी भी वायर में तो स्टूडेंट्स आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा था कि करंट का फार्मूला होता है एन ई ए, ए वी सफिक्स डी ये एन क्या था ये था नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हम यहाँ पे हमने एक वायर ली है जिसका क्रासक्शनल एरिया ए है और उसमें एक करंट आई फ्लो कर रहा है इसके बाद हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया ऑफ लेंथ डी तो जो वेक्टर एलिमेंट होगा वो होगा आई इन टू सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं विद ड्रिफ्ट विलासिटी वी सफिक्स डी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट यू विल से ऑल दीज थिंग्स वी नो तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट का पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं वो होगा ए मल्टीप्लाइड बाई डी तो एक यूनिट वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन मल्टीप्लाइड बाई दिस एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा माइनस ई इंटू वी सफिक्स डी क्रॉस बी तो फिर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कितना लगेगा तो डी एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एन ए इंटू डी एल फोर्स की जगह आप लिखिए माइनस ई इंटू वी सफ डी क्रॉस बी एंड देन एन ए इंटू डी एल स्टूडेंट्स हमें ये जो टर्म्स यहां लिखी हुई हैं इनको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि किसी भी तरीके से हम करंट लिख पाए तो हम पहले एन लिख देते हैं ई ए, ए और वी सफिक्स डी अभी नहीं है हमारे पास हमारे पास माइनस डी एल है देखिए ये माइनस और ये डी एल और अंदर है वी सफिक्स डी क्रॉस बी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में हम पोजीशन ऑफ टू वेक्टर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो ये जो एलिमेंट डीएल है और ये डीएल वेक्टर और ये वी सफिक्स डी वेक्टर इनकी पोजीशन को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता वाई क्योंकि दे आर नॉट पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन लेट मी आस्क यू अगेन क्या माइनस डी एल वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेगा एज कंपेयर टू वी सफिक्स डी आवर आंसर इज यस इसलिए हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसको आप मार्क करें तो ये आ गया एन ई ए वी सफिक्स डी जिसको आई लिखते हैं डी एल क्रॉस बी अगर आप लेंथ लेते हो डी एल तो फोर्स लेना पड़ेगा डी एफ और अगर आप लेंथ ले लेते हो एल तो फोर्स भी बड़ा हो जाएगा आई इंटू एल क्रॉस बी तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया बी आई एल साइन थीटा और वेक्टर फॉर्म में इसको i into l क्रॉस b लिखते हैं स्टूडेंट्स वन मार्क क्वेश्चन दे कैन आस्क कि भाई मैक्सिमम फोर्स कब होगा मिनिमम फोर्स कब होगा तो ये अभी आपसे डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर इज प्लेस पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा की वैल्यू जीरो या पाई हो जाएगी एंड इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स लेकिन अगर कोई वायर पर कैरिंग वायर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है और उसका फार्मूला है बी आई एल तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमने इसमें कवर कर लिए ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जिसमें दे हैव सेट कि फाइंड द फोर्स ऑन ईच आर्म ऑफ द वायर एज शोन इन द फिगर यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है ए बी वायर की लेंथ स्मॉल ए है स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी देखिए ये जो आर्म है ए बी और डी ई दे आर पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड इसलिए इन आर्म्स पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा ये जो आर्म बी सी है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो यह साइन 90 हो गया एंड दैट इज वन तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा बी आई लेंथ इज बी बी आई बी वट अबाउट दिस सी डी यू विल से फॉर्मूला लगा दो बी आई एल साइन थीटा देखिए इसमें थीटा क्या होता है इस फार्मूले में थीटा क्या है थीटा है द एंगल बिटवीन द करेंट कैरिंग कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड अगर ये ऊपर वाला एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा 30। और अगर ये 30 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया 30। इसलिए फोर्स का फोर्स की वैल्यू हो गई बी आई इंटू लेंथ सी इंटू साइन ऑफ 30। एंड साइन 30 आप जानते हैं स्टूडेंट्स वन बाई टू होता है So, uh, that is all for today. And uh, uh, may I just uh, inform you that uh, we have already uh, told you that we will be uh, taking uh, some classes in which we are going to sort out your personal difficulties. But for that, you must telephone us, fix up the time, and then we will be able to solve those difficulties. Thank you very much, students.